हेलो गाइस, राधे राधे। तनुजा ब्लॉग में स्वागत है आपको। आज रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी मेरे यूट्यूब परिवार को। और आप देख सकते हैं रक्षाबंधन के लिए स्पेशल हम मिठाई बनाए हैं। और देखिए कितना ये सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बहुत टेस्टी और बहुत कम मेहनत में ये मिठाई हम बनाए हैं। तो आप इसके लिए हम लिए हैं 500 ग्राम पनीर, और पनीर को हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हम पनीर को कटिंग कर रहे हैं और कट करके इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे। तो आप देखते जाइए और शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो में बने रहिए। तो आप एक बार में ही समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा कि हलवाई जैसा सॉफ्ट मिठाई कैसे बना सकते हैं अपना घर में शुद्ध मिठाई, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं रहेगा अपना घर में। इसमें हम देखिए 2 कटोरी ऐड किए हैं नारियल पाउडर। ये नारियल पाउडर इसमें हम 2 कटोरी ऐड किए हैं, और चीनी इसमें हम 1 कटोरी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा मीठा कोई पसंद नहीं करता, इसलिए हम कम मीठा बना रहे हैं। और ऐसे भी चीनी कम खाना चाहिए, क्योंकि 80% तो शुगर पेशेंट रहता है सभी के घर में। और इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं 2 कटोरी। तो आप देख सकते हैं कि दूध को हम पहले उबाल लिए थे और ये ठंडा हो गया है, तो इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हम 2 कटोरी उबला हुआ दूध डाल दिए हैं, और आप देख सकते हैं। और सभी को हम फूलने के लिए 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं। इसको ढककर हम पहले मिला लेते हैं अच्छी तरह से, और इसको ढककर हम छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा झंझट है नहीं, लेकिन हलवाई जैसा मिठाई तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए, और ये सभी मिक्सर तैयार हो गया। देखिए पनीर भी बहुत सॉफ्ट हो गया है और सभी तैयार हो गया है। तो इसको हम मिक्सी जार में इसको हम सभी को फेंट लेते हैं। तो आप देखते जाइए कि कितना आसानी से ये आप हलवाई जैसा मिठाई घर में तैयार कर सकते हैं, और इतना सॉफ्ट इतना टेस्टी। एक बार बनाइएगा तो बार बार बनाने का मन होगा। आप देखते जाइए मेरा वीडियो, इसमें ज़्यादा झंझट है नहीं, और बिना झंझट वाली मिठाई घर में इतना टेस्टी टेस्टी तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम जार में चला लिए हैं, सभी दरदरा हो गया है, और इसको हम थोड़ा और मिला लेते हैं। तो अब ये हो गया है मिलके तैयार। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से सभी चीज़ मिल गया है इसमें। अब हम इसके लिए कढ़ाई को गैस पर डाल दिए हैं। आप नॉन स्टिक कढ़ाई में इसको बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें नहीं तो घी डालना है, नहीं तो तेल डालना है, कुछ नहीं इसमें ऐड करना है। अब ये सिर्फ नॉन स्टिक कढ़ाई में हम डालकर इसको हम पका रहे हैं। तो इसको हम पकाएंगे इतना कि लास्ट में ये सॉफ्ट हो जाए, पूरा सोख जाए। तो देखते जाइए आप मेरा। अब इसको हम गैस ऑन करेंगे और इसको हम धीमी आंच में धीरे धीरे पकाएंगे, और सॉफ्ट मिठाई आप लोग के लिए बनाएंगे। रक्षाबंधन की शुभ अवसर पर हम ये मिठाई बनाएं। अभी तो जन्माष्टमी आने वाला है, तीज आने वाला है, सभी जब मीठा खाने का मन हो तो अपना घर में बनाकर इस तरह का मिठाई तैयार कर सकते हैं। नहीं तो चाशनी बनाने का झंझट है, नहीं तो इसमें ज़्यादा हमको तामझाम है, कुछ नहीं। बहुत आसानी से बहुत कम मेहनत में ये मिठाई बनकर हो जाएगा तैयार। तो देखिए अब ये सूख रहा है ये पूरी तरह से। अभी इसमें टाइम लगेगा सूखने में। अभी ये धीरे धीरे
सूखते जा रहा है तो इसको चलाते रहना है और कुछ नहीं करना है। चलाते रहिएगा तो अंदर जलेगा भी नहीं और बहुत इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और नहीं चलाइएगा तो ये पूरा उड़ने लगता है, इसलिए आपको चलाते रहना है और आसानी से बन जाएगा घर का मिठाई, जो कि बिना मिलावट का। तो आप मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और वीडियो में समय लगता है बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, अपना अकेले हम पूरा शूटिंग कर रहे हैं और एडिटिंग भी खुद करते हैं, इसलिए कुछ अगर गलती भी हो तो माफ़ कीजिएगा। और आप देखते जाइए, ये अब हो गया है तैयार और इसको हम ठंडा करके बनाएंगे इसका मिठाई। तो ये अभी अच्छी तरह से तैयार हो गया है, तो इसको ठंडा होने पर देखिए ये पूरा चिकना चिकना सॉफ्ट सॉफ्ट मिठाई बनेगा। और इसको आप आराम से फ्रिज में रखकर सप्ताह भर भी खा सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा इलायची का पाउडर डाल दिए हैं दरदरा, क्योंकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और खाने में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हो के देखिए, अब इसको हम पलट लिए हैं दूसरा बर्तन में, क्योंकि जल्दी से ठंडा हो जाए और इसको हम अच्छी शेप देकर मिठाई बनाएंगे। तो अब ये इसको चला चला कर पूरा ठंडा कर देना है और उसके बाद इसको अपना साइज़ के हिसाब से, आपको जितना बड़ा साइज़ लेना है या छोटा साइज़, लेकिन हम लोग को ये मीडियम साइज़ ही है, नहीं छोटा है नहीं बड़ा है, मीडियम साइज़ में हलवाई जैसा मिठाई बनकर हो गया तैयार। तो आप इसको बना सकते हैं, इतना आसानी है बनाना। और घर में अगर आप चुपके से बनाइएगा तो, और सभी को खिलाइएगा तो कोई पता भी नहीं कर सकता है कि हाँ आप घर में बनाए हैं। तो देखिए मेरा मिठाई हो गया तैयार रक्षाबंधन की। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और मिठाई एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। और ऐसा मिठाई बार बार बनाते रहिए और खाते रहिए, क्योंकि अपना घर का बना हुआ इतना शुद्ध और बिना मिलावट का मिठाई घर में तैयार हो जाता है, और कम परिश्रम कम मेहनत बिना झंझट का। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है कि हमको चाशनी बनाना है, हमको छेना फाड़ना है, आप ताज़ा पनीर लाकर बना सकते हैं। राधे राधे।